भारतीय टीम के स्टार कप्तान रोहित शर्मा को बीच आईपीएल में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान युवराज सिंह ने दी गोली से जान से मारने की धमकी, उसके बाद हुआ बड़ा बवाल। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार क्या है पूरी खबर, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों रोहित शर्मा और युवराज सिंह बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर दोस्तों दोनों में आपस में फिर भयंकर लड़ाई हुई और फिर युवराज सिंह ने जान से मारने की धमकी दे दी कप्तान रोहित शर्मा को। दोस्तों एक समय की बात है जब रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी चलाती थी और युवराज सिंह ने रितिका सजदे को अपनी बहन बना लिया। उसके बाद दोस्तों एक शो हुआ जहां पर रोहित शर्मा की मुलाकात हुई रितिका से, वहीं पर युवराज सिंह मौजूद थे। दोस्तों युवराज सिंह चुपके से रोहित शर्मा के पास गए और दोस्तों रोहित शर्मा से युवराज सिंह ने कहा वो मेरी बहन है, उससे दूरी रहना वरना गोली मार दूंगा। दोस्तों हालांकि युवराज सिंह ने ये बात मजाक में कही थी, मगर उसके बाद फिर इसका वीडियो वायरल हुआ और काफी बवाल हुआ था। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पे आके फिर बात को साफ किया था और उसके बाद दोस्तों फिर रोहित शर्मा की मैनेजर बन गई रितिका सजदे और फिर नजदीकियां बढ़ती गईं और साल 2015 में 13 दिसंबर को दोनों ने शादी कर ली।